नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद रोडमल नागर से चर्चा। राजगढ़ में कोरोना संक्रमित नहीं है, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं तथा जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन अनुशासन के साथ किया, जिसकी वजह से राजगढ़ जिला कोरोना की अधिक चपेट में नहीं आया। शराब दुकानों के खुलने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। धन्यवाद भैया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर राजगढ़ के लोकसभा सांसद रोडमल जी नागर हैं। नागर जी, राजगढ़ में तो कोरोना का ज्यादा मामला कुछ है नहीं ऐसा संक्रमण का? हाँ, कोरोना का राजगढ़ में कोई संक्रमण नहीं है जी, ईश्वर की कृपा से जी। और प्रशासन जनता का सहयोग जी और जिस तरह से सब सारा जन सहयोग मिला है, प्रशासन जिस तरह से व्यवस्था बना के रखी है जी, सबके सहयोग से जो है जी। और जो जो लोग थे, गरीब थे, कमजोर थे, सबके लिए भोजन के पैकेट, सूखा राशन, ये भी सारे जन संगठनों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ करके सबकी मदद की है, जो कमजोर थे उनकी भी, और आज भी कर रहे हैं। कम से कम राजगढ़ जिले की सीमा में कम से कम 10,000 पैकेट आज भी रोजाना हाईवे पर बढ़ रहे हैं। तो लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ये जो पैकेट बढ़ रहे हैं, ये सरकार के सौजन्य से हैं या जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से? जन सहयोग। सहारनपुर में जी, एक पॉइंट सारंगपुर में है, एक पॉइंट जो है उदनखेड़ी में है, एक पॉइंट पचोर में है, एक पॉइंट ब्यावरा में है, एक पॉइंट है अलग अलग जगह, और अलग अलग संस्थाएं जन सहयोग से सब काम कर रही है। लॉकडाउन तो पूरे राजगढ़ में ही लागू है इस समय, कहीं पर कोई ऐसा अभी ग्रीन जोन में जो राहत दी गई है, छूट दी गई है, तो कहीं कुछ खुला है क्या अभी? नहीं, देने की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं जी, उसको चरणबद्ध तरीके से खोली गई है। लेकिन जो सार्वजनिक जहाँ चाय की दुकानें हैं, होटलें हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, जहाँ जनता इकट्ठी होती है, वो स्थान नहीं खुले हैं। बाकी सामान्य दिनचर्या में, सामान्य आवश्यकताओं में फल है, सब्जी है, दूध है, किराना है, और ये प्रधानमंत्री आवास के जो मकान लोगों ने पहले ही खोल दिए थे, तो वॉशिंग मटेरियल का थोड़ा सामान है, फिर ये पंखे की टेक्निक की दुकानें हैं, कृषि उपकरण के जो कृषि सामान की जो दुकानें हैं, ये जगह ये खोल रखा है, लेकिन वो इतनी समय सीमा तय कर रखी है। लगभग आवश्यकताओं की आपूर्ति हो रही है, और आग्रह ये भी है कि एकदम से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आए, फेस कवर जो है ये हर व्यक्ति लगाकर ही निकले, सोशल डिस्टेंस ये 2 मीटर का कम से कम बनाकर ही रखें, सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूके नहीं। शराब की दुकानें तो नहीं खुली राजगढ़ में? शराब की दुकान शायद खुल गई है, शायद। अच्छा, हाँ शायद खुली है। हाँ, तो ये शराब की दुकान खुलने की इसका मुख्य वजह नगर जी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अभी सारी जरूरत की चीजें बंद है, शराब की दुकानें खुल गई? सारी जरूरत की चीजें भी खुली हुई है, लेकिन शराब की दुकानें भी, अब शासन का क्या निर्णय है ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन आवश्यकताओं की, सारी आवश्यकताओं की चीजें खुली हुई है। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आवश्यक है और खुली नहीं है राजगढ़ में। केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जो भी राहत पैकेज वगैरह देती है जिस वर्ग को ध्यान में रख के, निम्न वर्ग के लिए, वो तो राहत पैकेज पहुंच जाता है, उनको राशन वगैरह सब मिल जाता है। छोटे मोटे दुकानदार हैं या छोटी निजी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों को किसी तरह की कोई राहत पैकेज में कोई स्थान नहीं होता, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता? भाई, ऐसे भी लोग चिन्हित किए थे, ऐसे भी लोग निकले हैं, उनकी चिंता की है, और ये फिर अपने आप में विरोधाभास है ना। छोटी दुकान है, अगर ये छोटी दुकान वाले, नाई की दुकान है, दर्जी की दुकान है, मोची की दुकान है, अगर ये बाकी बड़ी दुकानें खोल दी, ये नहीं खोलेंगे तो इनकी भी तो आवश्यकता है ना, तो उसको भी ध्यान शासन में रखा है, उसके लिए भी व्यवस्था की, इसलिए वो
उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए भी उसने खोलने के लिए कहा है। कई जगह सुनने में आ रहा है स्कूल वाले अभिभावकों पे दबाव बना रहे हैं कि फीस जमा करिए, जबकि बेचारे सबका लोगों की आमदनी बंद पड़ी हुई है अभी। मैं मुझे तो जानकारी में ऐसी बात है नहीं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और मुझे लगता नहीं है कि स्कूल वाले इस तरह से इस समय में कोई ऐसे दबाव बना रहे होंगे। दबाव अगर बना रहे हैं तो ठीक नहीं है, आपने याद दिलाया है तो मैं भी कहना कहीं से थोड़ा आप सांसद हैं, मतलब जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपके संज्ञान में ये चीज होना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं हो तो इससे आप कार्रवाई कराएं। मेरे मित्र अवगत कराएंगे, मेरे मित्र, मेरे को जानकारी मिली नहीं ना इस तरह की, इसलिए मैं दे रहा हूँ ना। जी जी, किसी स्कूल वाले ने फीस मांगी है इसी जानकारी मुझे मिली नहीं है। जी जी, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा, देखता हूँ अगर ऐसा है तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नागर जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमें समय दिया आपने उसके लिए। जी जी, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।